So I had given two questions on land reforms, and today I will discuss both the questions, the answers to those questions कि कैसे हमें इसकी को लिखना है और कैसे करना है, right? तो and both the questions have been asked in previous years. अभी पिछले 5 साल में 2 बार question mains में land reforms का आया है. एक question था discuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India. ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आया था और सेकंड क्वेश्चन आ चुका है ये एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन इकोनॉमी डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. अब देखिए दोनों क्वेश्चन जो अगर आप देखें आप सब ने लैंड रिफॉर्म्स टॉपिक पढ़ रखा होगा, नो डाउट सब पढ़ते हैं इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी. तो अब हमें सी आप ध्यान से देखिए कि लैंड रिफॉर्म में आप क्या पढ़ते हो. सी यू जनरली हम लैंड रिफॉर्म्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं वो हमें एक बार देख लेना. फॉर एग्जांपल हम डेफिनेशन करते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म करते हैं, फिर हम मेजर्स करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या लिए गए ये समझते हैं हम, फिर हम समझते हैं कि सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की लैंड रिफॉर्म्स के क्या एडवांटेजेस रहे या क्या अचीवमेंट रही. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. फिर हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन कि ये पॉइंट्स ऑफ फेलियर आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई इम्प्लीमेंटेशन में या पॉइंट्स ऑफ फेलियर क्या थे, राइट. और फिर एंड में हम सजेशंस पे आ जाते हैं कि क्या हम और कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. कोई और अच्छी तैयारी करे तो वो रेलेवेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन टुडे सिनेरियो क्या है वो भी समझ सकता है, ठीक है ना. तो देखो जब भी आप कोई ये टॉपिक लैंड रिफॉर्म कवर करते हो तो ये कॉम्पोनेंट आप करते हो, ठीक है, एंड इस कॉम्पोनेंट के थ्रू ही आप समझते हो. लेकिन अब देखना यह कि एग्जामिनर ने या एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन क्या आया. अब देखो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं उसने पूछा, उसने ये नहीं पूछा डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, उसने ये नहीं पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना. उसने ये नहीं पूछा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, उसने ये नहीं पूछा व्हाट आर द मेजर्स इन लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना. व्हेन आई से कि इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने अभी गिनाए हैं दीज आर 1 डिग्री क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आजकल पेपर में बहुत कम आ रहे हैं, लेस, राइट. अब उसने ये नहीं पूछा क्रिटिकली एग्जामिन द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, एग्जामिन द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. उसने ये नहीं पूछा डिस्कस द वेरियस फैक्टर, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच हिंडर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो वो सेकेंड डिग्री का बन जाता कि इसमें अब फैक्ट्स के एनालिसिस कर रहा है वो. उसने सिंपली क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब यहाँ पे जो आपने ये नॉलेज एक्वायर करी है उसको अप्लाई करके आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. इसमें देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म्स, एक वेरिएबल ये है और सेकंड वेरिएबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ठीक है ना. मैं इसको पूरा आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हमें आंसर को डिसिफर करना है और कैसे इसका आंसर लिखना है, क्या क्या लिखना है, फिर आप मुझे लिख के दिखाओगे, राइट. बट लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन यूपीएससी में किस तरह के आ रहे हैं, एंड आई एम टेकिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है ना. तो पहले पार्ट है इस क्वेश्चन का, सबसे पहला तो स्टेप हम ये करेंगे कि वी विल आइडेंटिफाई द डायरेक्टिव्स, कि डायरेक्टिव्स कौन से हैं इस क्वेश्चन में. देखो डायरेक्टिव्स पहला तो डिस्कस है, ये सारे लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में, ये डिस्कस है डायरेक्टिव, एंड सेकेंडली है आइडेंटिफाई. दो डायरेक्टिव हैं हमारे, डिस्कस एंड आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई, ठीक है ना. अब डिस्कस थोड़ा सा हमारा जो डायरेक्टिव है वो एनालिटिकल है, जिसमें एनालिसिस देना है हमने, और जब आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे बोला क्या है तो सिंपल आइडेंटिफाई करना मुझे ये फैक्ट्स की फॉर्म में, क्लियर, ठीक है. अब डिस्कस डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज को अगर मैंने डिस्कस करना है तो ए और बी में वो कोरिलेशन पूछ रहा है,
ठीक है, तो डिस्कस में मुझे करना है तो दोनों आस्पेक्ट लिखने हैं। सबसे पहले मुझे बताना है थोड़ा सा व्हाट इज ए, फिर मुझे बताना है व्हाट इज बी, और फिर मुझे बताना है हाउ व्हाट पॉजिटिव रोल लैंड रिफॉर्म हैज प्लेड इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एंड सेकेंडली कैसे इसने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हिंडर भी किया है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आएंगे। ये समझ आ गई बात? आई थिंक सबको क्लियर है बात ये, राइट? देन थर्ड, अब इसके बाद आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब मुझे फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स रिमेंबर, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म। अगर अब इसमें से इतना ये डिसेप्टिव क्वेश्चन है, यहां पे 10 में से 8 बच्चे गलती करके आएंगे, वो फैक्टर्स लिखने के बजाय वो क्या लिखेंगे कि लैंड रिफॉर्म में सक्सेस क्या थी, कि इतने लोगों टेनेंट्स को ओनरशिप मिली, लैंड सेलिंग में इतनी इक्वायर हुई। ये तो है कि कैसे वो सक्सेसफुल है, उसने ये तो पूछा ही नहीं। उसने पूछा क्या फैक्टर, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो फैक्टर्स बताने हैं, लीगल फैक्टर्स हैं, कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स? सोचो, ध्यान ध्यान से इसको विजुलाइज करो क्वेश्चन को। बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि जनरली लैंड रिफॉर्म्स को हम फेलियर की फॉर्म में देखते हैं कि इतना इफेक्ट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ इसका, एंड इन नंबर ऑफ स्टेट्स लैंड रिफॉर्म्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ इंप्लीमेंटेशन। सक्सेस लैंड रिफॉर्म की कैसे है, कहां पे है, आपको ये जो हम डिस्कस क्लास में हमने किया उसी में से निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं वो पूछ रहे, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग शो करती है कि व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू हैव फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरे क्वेश्चन के स्ट्रक्चर क्या बना, अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं कि मेरा स्ट्रक्चर क्या बना। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन से फिर मैंने मेन बॉडी स्टार्ट करना है। बॉडी के अंदर मैं लिखूंगा व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स, एक लाइन में व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स, ये लिखते जाना अपने साथ साथ में। अब फिर मैं लिखूंगा कि बेसिकली थोड़ा सा एक लाइन में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में लिखूंगा कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वॉज अ प्रायोरिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर, तो इट वॉज अ प्रायोरिटी। और जो लैंड रिफॉर्म्स थे दे आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वॉज द प्रायोरिटी, तभी ये दोनों में लिंकेज आ गया। लेकिन जो ये अब ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो लैंड रिफॉर्म्स ने किए, क्या वो क्या रोल प्ले किया उसने, क्या पॉजिटिव रोल प्ले किया और फिर क्या नेगेटिव रोल प्ले किया, ठीक होगी बात? जब मैंने दोनों ही लिख लिए फिर मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा क्वेश्चन का कि फैक्टर्स लिखने हैं मैंने, फैक्टर्स फॉर सक्सेस। राइट, और फिर मैंने लिखना है कंक्लूजन। फिर मैंने लिखना है कंक्लूजन। अब यहां मैंने इंट्रोडक्शन लिखी, फिर मैं मेन बॉडी पे आया, मैं यहां पे एक हेडिंग दे दूंगा रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, और यहां मैं लिख दूंगा फैक्टर्स फॉर सक्सेस। बस ये दो हेडिंग मेरे आ गए, ये दो हेडिंग मेरे लग गए यहां पे, एक ये हेडिंग आ गया मेरा और एक ये हेडिंग आ गया मेरा, और ये मेरा आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखना है मैंने। अब इतने पार्ट बन गए मेरे क्वेश्चन के, और मेरे अब वर्ड लिमिट मेरी इस क्वेश्चन में क्या है, 250 वर्ड्स का मैंने इसको लिखना है। आई हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। तो अब इन अ स्प्लिट सेकंड मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मुझे कितने वर्ड किस पे लिखने हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि सबसे बड़ा सेक्शन मेरा इसमें से कौन है। सबसे बड़ा सेक्शन मेरा इस पार्ट में है, पॉजिटिव नेगेटिव रोल में आएगा, सबसे ज़्यादा मटेरियल मेरे पास इसके लिए है। तो ठीक है, मैंने 150 में से मैंने 100 वर्ड्स इसके लिए लिख लिए, अंदाजन। अब ये फैक्टर्स आ गया मेरा, तो फैक्टर्स पे मेरे 50 वर्ड्स, 50 टू 75 वर्ड्स आ गए। 50 वर्ड्स बहुत हैं वैसे। फिर ये जो डेफिनेशनल पार्ट है इसके लिए मेरे पास 25 टू 30 वर्ड्स या अराउंड 30-35 वर्ड्स, दो तीन लाइनें इसमें लिख सकते हो आप।
तो आप समझो कि आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए 25 वर्ड हैं और कंक्लूजन के लिए 25 वर्ड हैं। क्वाइट गुड। देखो पेपर में जब अगर नंबर लेना, अगर आपने आईएएस बनना है, टॉप 10 में आना है, ये टॉप 10 की स्ट्रेटजी है, ये एवरेज की स्ट्रेटजी नहीं है। जो इस तरह से अगर प्रैक्टिस कर लिया आपने, महारत हासिल कर ली कि टिप्स पे सब कुछ चल रहा है, बस कर देना है। अब ये क्वेश्चन किसी का तैयार थोड़ी होना है, सबको, हर एक बच्चे को, अच्छे से अच्छा बच्चा है, चाहे किसी ने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे किसी ने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उस बच्चे को भी ये क्वेश्चन लिखने के लिए वहां सोचना पड़ेगा। ही इज एट पार विद यू। जो क्वेश्चन को ठीक तरह डिसिफर कर गया वही आंसर होगा, ठीक है ना। अब जो रोल लिखना है, रिमेंबर, जो रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लिखना है वो विज़ेविज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। रिमेंबर, इट इज विज़ेविज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जनरल रोल नहीं है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और फैक्टर्स फॉर सक्सेस है ये, उसने फेलियर नहीं पूछे, सक्सेस पूछे हैं, बस ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन का, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। अब बताने वाली बात क्या, इंट्रोडक्शन ठीक है, आप लिखोगे कुछ भी अपनी मर्जी से, 25 वर्ड, कंक्लूजन आपके हाथ में है, वो मैं काफी आपको, आप कर चुके हो प्रैक्टिस, नाउ यू कैन डू समथिंग इन इट। तो तीन पार्ट मैंने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पॉजिटिव रोल। अब देखो लैंड रिफॉर्म के दो ऑब्जेक्टिव्स हम मानते हैं, सोशल जस्टिस और सेकेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सारे जो लैंड रिफॉर्म्स की इंप्लीकेशन हैं, दे आर लिंक्ड विद दिस टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। या तो लैंड रिफॉर्म सोशल जस्टिस दे रहा है, सोशल जस्टिस कैसे दे रहा है, बाय अबॉलिशिंग द लैंड टेन्योर सिस्टम, by abolishing land tenure system and then by giving land ownership, land की ownership दी इसने tenants को और लोगों को, land selling से कि जिसके पास surplus land है उससे लेके लोगों को दी, ठीक है ना। तो अब suppose ये तीन ही ले लेता हूं मैं, या tenancy reforms करके ली कि security of the tenure किया tenant का। अब इससे agricultural development कैसे हुई भाई, अब इससे तो सोशल जस्टिस हुई ना, कि जो लैंडलेस है उसको लैंड मिली और जो एक फार्मर था उसको लैंड की ओनरशिप मिली, लैंडलेस को लैंड मिली और एक जो स्मॉल या मीडियम फार्मर था या टीनेंट था उसको बेसिकली, हाँ यही ना। अब देखो कैसे करते हैं, ये देखते हैं स्वास्थ्य। अब इससे क्या हुआ, इससे सोशल जस्टिस हुआ, सोशल जस्टिस से क्या हुआ, मोटिवेशन टू प्रोड्यूस मोर। जब एक लैंड का बंदा ओनर बन गया तो ही वॉज मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर, मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर। मोटिवेशन होने से उसकी, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी। आप यहां डाटा दे सकते हो कि 1950 से लेकर 1960, 10 सालों के अंदर कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी। अब उस वक्त तो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं थी ना, ज्यादा थी नहीं, तो उन 10 सालों के अंदर जो भी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हुआ वो तो लैंड रिफॉर्म की वजह से हुआ ना, ठीक है ना। तो एक तो हो गया कि इससे मोटिवेशन हुई, राइट। सेकेंडली एक और इसकी इंप्लीकेशन थी कि इसने, सोशल जस्टिस ने सेल्फ कल्टीवेशन को बढ़ावा दिया, बिकॉज लोगों ने, उनकी अपनी लैंड चली ना जाए इसकी वजह से खुद, अब खुद काट शो करना शुरू कर दिया। मैंने क्लास में कराया हुआ है कि उन्होंने खुद खेती करनी शुरू कर दी। अब जब बंदा खुद सेल्फ कल्टीवेशन करेगा उससे बेटर लैंड केयर हुआ, लैंड केयर, लैंड पर इन्वेस्टमेंट होने लगी, बेटर लैंड केयर, और इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, इन दोनों पॉइंट से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई। यह बन गया लिंकेज सोशल जस्टिस से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। लेकिन एंड प्रोडक्ट आपको दिखाना है कि कैसे लैंड रिफॉर्म्स ने सोशल जस्टिस किया, सोशल जस्टिस से ये दो चीजें हुई, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई। बन गया ना लॉजिक पूरा। अगर सिंपली क्वेश्चन आता व्हाट इज द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो आप सोशल जस्टिस यही लिखते, बस यहां तक लिखते बस। लेकिन अभी प्रोडक्टिविटी आ गई तो यहां लिंक कर दिया। अच्छा अगर यहां पे पॉवर्टी एलिवेशन आ जाता, व्हाट इज द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, तो मुश्किल था आपके लिए। ये यही लिखना है। अब यहां प्रोडक्टिविटी बढ़ने से यहां एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई, साथ में इनकम भी तो बढ़ी लोगों की। हम यहां पर लोगों की इनकम बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, पॉवर्टी एलिवेशन हुई। अब आ जाओ सेकेंड। अब सेकेंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी इससे,
एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली कैसे बढ़ी? बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. सेकेंडली एग्रीकल्चर, फिर सेकेंडली था लैंड कंसोलिडेशन से. कंसोलिडेशन, लैंड कंसोलिडेशन, ठीक है बात. फिर टीनेंसी रिफॉर्म से, ठीक है. अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ी? इससे एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन वाटर बड़ी. ये मैं करा, आपने सबने किया होगा. इरिगेशन वाटर की एफिशिएंसी होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोड्यूस बढ़ी, क्योंकि पानी मिला क्रॉप को. फिर लैंड कंसोलिडेशन से क्या हुआ? सेविंग ऑफ एफर्ट्स, कि एक किसान को 10 जगह खेती करने की बजाय वो एक जगह पे खेती कर रहा है. सेविंग ऑफ एफर्ट्स की वजह से फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ी. टीनेंसी रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ? टीनेंट ओनर बन गया, बेटर लैंड केयर, एंड इससे फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ी. और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई. ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव रोल. देखो कितना कुछ लिखने वाला है, लेकिन वहां तो एक ही लाइन में सारा लिख दे रहे हैं. ये एक लाइन बनेगी इसकी, ये एक लाइन बनेगी इसकी, हो गया काम. देखो पेपर में इतना कुछ है, लेकिन लिखने के लिए कितनी कम स्पेस होती है. अब ये पॉजिटिव रोल हो गया, क्लियर होगी बात. ये एक बार यस करो, एक बार यस करो फटाफट. मैं जबरदस्ती नहीं है वैसे. चलो ठीक है. मैं कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूं भाई. मैंने नहीं समझ आया तो बता देना कि नहीं समझ आया. चलो नेक्स्ट. अब दिखाना कि कैसे, व्हाट इज द, डिस्कस द रोल करना था मुझे. तो डिस्कस द, ये तो पॉजिटिव दिखा दिया मैंने कि कैसे लैंड रिफॉर्म से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हुई. अब मुझे दिखाना कि कैसे हिंडर हुई. अब लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ था? अब अगर इंपैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म देखो आप, कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ लैंड रिफॉर्म जो हम करते हैं. अब रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन हिंडरिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं है. लैंड रिफॉर्म से क्या क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लैंड रिफॉर्म के. हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म से पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव. क्योंकि आप हिंडर जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी हो तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लेने ना हमने. लैंड रिफॉर्म से माइग्रेशन हुई, याद करो. लैंड रिफॉर्म से कंफ्लिक्ट बढ़ा, कंफ्लिक्ट बढ़ा ना लैंड रिफॉर्म से रूरल एरियाज में, ठीक है बात. माइग्रेशन हुई, लैंड रिफॉर्म से कंफ्लिक्ट बढ़ा, और लैंड रिफॉर्म से क्या हुआ? हाँ, एक और पॉइंट है, याद करो. माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और है लैंड फ्रेगमेंटेशन. वेरी गुड, लैंड फ्रेगमेंटेशन. क्योंकि अब मैं तीनों बताऊंगा आपको. ये लिखने को मैं और दो चार भी लिख लूं, लेकिन लैंड फ्रेगमेंटेशन, यस, सेलिंग. देखो अब माइग्रेशन से क्या हुआ, पीपल माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज. ये हम देख चुके हैं कि क्यों, ठीक है ना. उससे क्या हुआ, ग्रेजुअली क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ लेबर, जिससे थोड़ा सा एक इंपैक्ट पड़ा कि गांव में लेबर कम हुई. लिखने के लिए होता है ज्यादा, इसका ज्यादा सेंटेंस होना. कन्फ्लिक्ट होने से क्या हुआ, जो कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है ना, इससे क्या हुआ, जो विलेज की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो हिंडर हुआ ड्यू टू कन्फ्लिक्ट. जो ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस है वो टूट गई लोगों में, और जो विलेज पॉवर्टी है वो बढ़ी, विच हिंडर्ड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट.
क्योंकि पहले ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस थी, खाने को लोगों को मिल जाता था, अब वो इंटरडिपेंडेंस टूट गई, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर आ गया, तो उससे क्या हुआ कि जो ये पॉवर्टी की समस्या है ना, रूरल पॉवर्टी हम कहते हैं, इतनी बढ़ गई, वो उसका मेजर कारण ये था कि जो लोकल लेवल पे ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस है वो टूट गई बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि उनको लैंड अपनी देनी पड़ रही थी, लैंडलेस को, वो अपनी लैंड शेयर करने को तैयार नहीं थे, एंड देन द कन्फ्लिक्ट वॉज देयर। अब लैंड रिफॉर्म से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, लैंड को इंडिविजुअल के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, उससे लैंड की फ्रेगमेंटेशन हो गई, लैंड की सेलिंग बहुत स्टार्ट हो गई, जिससे साइज ऑफ प्लॉट कम हो गया, साइज ऑफ प्लॉट कम हो गया, छोटे छोटे खेत होने लग गए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिंडर हुई। हिंडर लिखना है, हमने ये नहीं लिखना कम हो गई, मतलब बेटर हो सकती थी अगर ये भी साथ में ये चीजें ना होती तो। क्लियर होगी बात ये? हाँ, कन्फ्लिक्ट के अंदर आप नक्सल भी लिख सकते हो एग्जांपल, अरे इतना जगह होती नहीं है, बेसिक लॉजिक ही में निकल जाता सारा, नक्सल भी लिख सकते हो कि भाई ठीक है, हाँ कन्फ्लिक्ट होने से जो इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म की वजह से कन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ, जिससे नक्सल वायलेंस आई, जिससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई उन एरिया में ज्यादा। ठीक है बात, चलो अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि भाई फैक्टर्स फॉर सक्सेस। अब यहां पे जब फैक्टर्स फॉर सक्सेस लिखोगे, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, थोड़ा सा बताओगे कि लैंड रिफॉर्म इज ऑल्सो नोन फॉर इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया, है ना, लैंड रिफॉर्म इज नोन फॉर इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया ड्यू टू लीगल हिंड्रेंसेस, पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस ऑफ द बेनिफिशरी, कल्चरल फैक्टर्स एटसेट्रा, ज्यादा नहीं इस पर लिखोगे, बट एट द सेम टाइम इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस ऑल्सो, एंड फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। क्या क्या फैक्टर्स हैं? नंबर वन, लॉ आने की वजह से लॉ बाइंडिंग हो गया सब पे, लॉ बाइंडिंग हो गया, एंड पीपल हैड टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ लॉ। अब ऐसा थोड़ी है कि लॉ हिंड्रेंस बन गया, उसने लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट ही नहीं होती। सी, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तो लॉ की डर की वजह से लोगों ने लैंड रिफॉर्म को सक्सेसफुल बनाया। ठीक होगी बात? तो लॉ इज अ फैक्टर बिकॉज ऑफ विच द लैंड रिफॉर्म वॉज सक्सेस, बिकॉज लैंड रिफॉर्म थे ही लीगल। ओके, नंबर टू, सेकेंड फैक्टर वॉज द पोलिटिकल विल। जो पोलिटिकल मास्टर्स थे वो कहते कि दे, अब देखो इन नंबर ऑफ स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, पंजाब, केरला एटसेट्रा, द स्ट्रांग पोलिटिकल विल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, कि गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया। पहले तो लॉ है, सेकेंडली गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया। अब यहां सक्सेस को लिखना है, यही तो क्वेश्चन में ट्रिक है कि सक्सेस लिखनी है, अब सक्सेस के लिए तो यही है, ठीक है ना। अब थर्ड क्या है? लोकलाइज्ड फैक्टर्स, ठीक है ना, जैसे जहां जहां इरिगेशन फैसिलिटीज थी, जहां जहां अशोर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज थी, वहां वहां लैंड रिफॉर्म बड़ा सक्सेसफुल हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज होने की वजह से लोगों ने लैंड कंसोलिडेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन को हिंडर नहीं किया, उनके फायदे में थी बात वो। और जहां जहां अशोर्ड इरिगेशन नहीं थी, वहां वहां ये लैंड रिफॉर्म प्रॉपरली, ये दो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, बिकॉज लोगों को इंसेंटिव नहीं था, वो कहते ठीक जगह मिल भी थी तब भी क्या है, खेती तो हो नहीं सकती, है ना। तो बेसिकली लोकलाइज फैक्टर्स ऐसे थे कि जहां पे, जिसकी वजह से ये हुआ, है ना। तो ये तीन फैक्टर आप सक्सेस के लिए लिख दोगे, आई थिंक देयर आर मोर देन इनफ। एंड देन लास्ट थिंग इज कंक्लूजन, तो हमने कंक्लूजन लिख देना। इतना भी पेपर में लिख दोगे ना, आपके 15 में से 8 या 9 नंबर अश्योर्ड हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि पेपर में इतना, वहां पे इतना आपके दिमाग में आ जाएगा, हो तो बच्चे ही ना, भी अपने आप से इतना एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप इस लेवल का पूरा ही आंसर पेपर में लिख दोगे। देखो, एक्सपेक्टेशन लिमिटेड रखोगे तो रियलिस्टिक प्रिपरेशन रहेगी। हम कई बार एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं कि पता नहीं क्या कर देना, वहां कुछ दिमाग चलता नहीं। फिर आप सोचो कि आपने इसका 7-8 नंबर तो लेने हैं ना इस क्वेश्चन में, पर ये आपने सारा लिख दिया तो 9 या 10 नंबर आपके पक्के हैं पेपर में। लेकिन आप देखो, क्या जो पढ़ा है आपने, जो पढ़ाई करी है, एग्जैक्टली वही काम आया आपके।
जो ये पढ़ा है आपने, रादर देन, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं आया क्वेश्चन वो, तो थर्ड डिग्री का क्वेश्चन मानूंगा इसको मैं, क्योंकि इसमें आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करके वहां पे आंसर कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। नाउ नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन इकोनॉमी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म। देखो कैसे घुमा लेते हैं क्वेश्चन को, मतलब सी यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, हर क्वेश्चन में आपको नॉलेज एप्लीकेशन वो आपसे चाह रहे हैं, दे डोंट वॉन्ट कि आप अपनी नॉलेज जो आप रटा मार के आए हो, जो पढ़ के आए हो वो उगल दो वहां पे, नो no. वो कहते हैं जो आप पढ़ के आए हो उसके बेसिस पे आंसर करके दिखाओ मुझे यहाँ पे। उसके जगह पे उसके बेसिस पे क्वेश्चन करके दिखाओ, एंड दैट शुड बी द थ्रस्ट ऑफ कोचिंग, दैट शुड बी द थ्रस्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट आई वांट, है ना। बिकॉज चेंजिंग टाइम्स के साथ हमें बदलना है अपने आप को। एक टाइम था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते होते थे, हम वैसे ही कराते थे, लेकिन आज सबको बदलना चाहिए, हर टीचर को और बच्चों को ये प्रैक्टिस करानी चाहिए कि हाँ ये कैसे, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ये नहीं है मैंने हाँ क्लास में करा दिया, अब मैं कहूँ क्लास में करा दिया आपको, क्लास में करा दिया मैंने तो हो गया हो गया, पेपर में लिख नहीं पाओगे आप, क्योंकि अप्लाई करनी है आपको नॉलेज, ठीक है ना। अब इसका हम देखते हैं, इसका इसमें क्या है, इसके डायरेक्टिव्स कौन कौन से हैं। इसमें डायरेक्टिव्स इसमें है, एक तो एस्टैब्लिश करना आपको, ठीक है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, ये डायरेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, ओके। डिस्कस आ गया यहां पे, डिस्कस द डिफिकल्टी आ गया इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स, ठीक होगी बात, ओके। तो डायरेक्टिव कौन से हो गए मेरे दो, एस्टैब्लिश एंड सेकेंडली डायरेक्टिव मेरा है डिस्कस। तो डिस्कस तो वही है जो मैंने लास्ट डिस्कस किया, एस्टैब्लिश के अंदर आपको शो करना है, बेसिकली आपको एस्टैब्लिश करके क्लियरली स्टेट करना है कि हाँ ये रिलेशनशिप है, और डिस्कस में वही डिफरेंट एस्पेक्ट्स लिखने हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन, तो पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर सेकेंडली आप मेन बॉडी में पहले लिखोगे व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है ना। और मैं 250 वर्ड का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैं एक लाइन ऑब्जेक्टिव का भी लिख दूंगा कि क्या डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे लैंड रिफॉर्म के, एक लाइन लिखने में कोई हर्ज नहीं है बिकॉज रिलेटेड है ये। और फिर मुझे नेक्स्ट लिखना है रिलेशनशिप बिटवीन दिस फोर, ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब जब एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप करने के लिए मुझे बोला है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव रिलेशन है और ये नेगेटिव रिलेशन है, यहां बच्चे मार खाएंगे। मेन थ्रस्ट पॉजिटिव रिलेशन पे ही आएगा, लेकिन एंड में एक लाइन आपने कहा ना कि व्हेन वी टॉक ऑफ दिस रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म ने हिंडर भी किया, उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी हमें मिल नहीं पाई लैंड रिफॉर्म की, या इफेक्टिवनेस मिल नहीं पाई, बिकॉज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी तो यही है ना। तो उतनी वही लीड बन जाएगी आपकी, वही कनेक्टर सेंटेंस बन जाएगा कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है, लैंड रिफॉर्म ने डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, पॉवर्टी एलिवेशन करी, ये मैं अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, शो कर सकते हो आप इजीली कि कैसे क्या रिलेशनशिप है, वही डायग्राम बनाना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एंड में आप ये लिखोगे जो रिलेशनशिप तो कर दिया लेकिन साथ में थोड़ी सी हिंड्रेंस भी हुई, कैसे इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, कैसे प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं बढ़ी इतनी नहीं बढ़ी, बिकॉज ऑफ माइग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रेगमेंटेशन, एक लाइन लिख के आगे चलना हमने, राइट। देन वी विल कम टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना है, डिस्कस। अब डिस्कस क्या करना है, लेट अस सी द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग, मतलब ओके, डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग मतलब वो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लैंड रिफॉर्म की सक्सेस को हिंडर कर सकती हैं, दैट मींस वो प्रॉब्लम्स इन इंप्लीमेंटेशन ही पूछ रहा है। डिस्कस डिफिकल्टी इन डिजाइन, डिफिकल्टी किस चीज से आएगी, लीगल हर्डल्स की वजह से आएगी ना, कि लॉ जो है
वो इम्प्रॉपरली इंटरप्रेट करेगा चीज़ों को और उससे लिटिगेशन बढ़ेगी। और डिफिकल्टी किस चीज़ से आएगी, जो बेनिफिशरी है उसकी इग्नोरेंस की वजह से या पॉवर्टी की वजह से। फिर और डिफिकल्टी किस तरह से होगी, कल्चरल जो लोगों की नोशंस हैं, देयर सेंटीमेंट्स टूवर्ड्स लैंड, दे आर नॉट रेडी टू पार्ट विद देयर एंसेस्ट्रल लैंड। और डिफिकल्टी किस चीज़ से आएगी कि भाई लोकल फैक्शंस बन जाती हैं, लोकल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, बेनिफिशरी को लैंड नहीं मिल पाती, चार पांच है ना, यही डिफिकल्टीज हैं। लेकिन उसने ये तो कुछ डिफिकल्टी थोड़ी पूछी है उन्होंने, ही हैज़ नॉट आस्क कि डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ऑफ लैंड रिफॉर्म। उसने पूछा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म, मतलब हमने वो हिंडरिंग फैक्टर्स करने हैं जिसने एग्रीकल्चर को हिंडर किया, जो एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स इवॉल्व होने में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, मतलब एग्जाम के अंदर बैठ के इतने प्रेशर सिचुएशन के अंदर यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग एक छोटे से बच्चे से, मान ले तो बच्चे ही हो कि वो ये बात इंटरप्रेट करेगा कि इसका मतलब क्या, भाई इसका मतलब क्या है, दिमाग घूम रहा है आपके, नहीं घूम रहा, समझ नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो। नहीं तो पेपर में पता क्या कहते हैं आके, और सर लैंड रिफॉर्म पे क्वेश्चन हो गया, सौन सौ वो सर लैंड रिफॉर्म अपने कराया हुआ तो हो गया काम। मुझे ऐसी बातों से डर लग जाता है क्योंकि आसान तो किसी भी हालत में नहीं है यार। ठीक है जी, अब देखो क्या करना है हमारे को, डिस्कस क्या करना है। सबसे पहले दो एस्पेक्ट हैं इसके अंदर, डिजाइनिंग मतलब फॉर लैंड रिफॉर्म में करना क्या है, यहां पे डिजाइनिंग में बात कर रहा है वो मेजर्स की कि लैंड रिफॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। सेकेंडली बात कर रहा है वो इंप्लीमेंटेशन की कि इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है। अब इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ, थ्रू लॉ हुआ, इंडिया में लीगल लॉ बनाए और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। लॉ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, अब वो बात है कि इस मेजर्स को डिजाइन करने में, अब देखो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता जा रहा है, इन मेजर्स को डिजाइन करने में क्या प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी क्या थी, इस इंप्लीमेंटेशन को डिजाइन करने में क्या डिफिकल्टी थी। सोचो आप ध्यान से, लेकिन कंटेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स, यहां सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रहा डायरेक्टली, वो एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। घूम गया दिमाग, यस लिखो अब कि सर घूम गया पूरा, पूछ क्या रहा है अभी तक नहीं समझ आ रहा। मैं भी बहुत खराब हूं ना, धीरे धीरे अनवील करता हूं। देखो अब कुछ तो क्लैरिटी आई ना कि दो बातें हैं, डिजाइनिंग करनी है और इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने इसको तोड़ लिया ना, मैं आपको ऐसा क्यों करा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप भी पेपर में जब आप प्रैक्टिस करो घर में तो इसी तरीके से करो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे तोड़ के फिर लिखने बैठो, नहीं तो क्या होता कुछ ना कुछ छूट जाता है। और धीरे धीरे क्या होगा ना, ये स्ट्रक्चर माइंड में बनने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको पेपर पे लिखने नहीं पड़ेंगे, आपकी इतनी प्रैक्टिस हम करा देंगे मेंस तक कि आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में बनने लग जाएंगे और सीधा पेन उठाओगे लिखना शुरू कर दोगे स्ट्रक्चर बनता जाएगा। लेकिन इनिशियली तो आपको अपने प्रैक्टिस के लिए तो स्ट्रक्चर ये बनाने पड़ेंगे ना इस तरह से, तभी प्रैक्टिस होगी मेंटली आपकी। अब डिस्कस करना है मुझे, अब डिस्कस द डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग, डिस्कस द डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो कुछ समझ आई, और वेरिएबल क्या है, एग्रीकल्चरल फ्रेंडली। और मुझे डिस्कस में क्या करना पड़ेगा यहां पे, अब यहां पे प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं हो सकते ना, इसमें मुझे बात करना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स थे, क्या कारण था जिसकी वजह से डिफिकल्टी आई।
क्या कारण था जिसकी वजह से डिफिकल्टी आई डिस्कस में. यहाँ पे डिस्कस का मतलब ये बनेगा, बिकॉज डिस्कस का टेक्निकल मीनिंग होता है यू हैव टू डिस्कस दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दी क्वेश्चन आस्क्ड. कई जगह पे वो एस्पेक्ट्स प्रोज एंड कॉन्स में बनते हैं, कई जगह पे एस्पेक्ट्स वो मे बी फैक्टर्स की फॉर्म में बनते हैं, कई जगह जो भी जहाँ अप्लाई होती है चीज़ वो बन जाते हैं. अब आप डिजाइनिंग के अंदर आप मेजर्स को डिस्कस, ये क्वेश्चन बेसिकली ये डिजाइनिंग का जो है मेजर्स पे क्वेश्चन है. आप बताओगे कि ये जो मेजर्स थे अंडर लैंड रिफॉर्म कौन कौन से मेजर, वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल फ्रेंडली थे. पहले तो डायरेक्टली थे कि रीऑर्गेनाइजेशन, लैंड कंसोलिडेशन एंड देन ओनरशिप राइट्स टू टेनेंट्स. राइट, अब ये एग्रीकल्चरल फ्रेंडली मेजर्स थे विच वर देयर इन लैंड रिफॉर्म्स. और इनकी इनमें प्रॉब्लम क्या थी कि बेसिकली कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे लैंड कंसोलिडेट की जाए. तो आप लिखोगे यहां पे कि वेरियस कल्चरल फैक्टर्स, ये जो मेजर्स थे दे कुड नॉट टेक इन टू अकाउंट वेरियस कल्चरल लोकल फैक्टर्स इन इफेक्टिव डिजाइनिंग ऑफ दीज मेजर्स. इतना लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है आपको इसमें कि डिजाइनिंग में जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, आप लिख दो पॉलिटिकल इग्नोरेंस, वही फैक्टर्स लिखने हैं जिन्होंने इन मेजर्स को प्रॉपरली डिजाइन होने नहीं दिया. ये फैक्ट है. जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड की कैसे होनी है, ये हम पिछले 50-60 साल से यही दिक्कत में आते रहे. डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कंपल्शन थी और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाई प्रॉपरली. उससे क्या हुआ, अल्टीमेटली इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी 2000 के बाद मेजॉरिटी ऑफ द लैंड स्टेट्स हैव अबॉलिश्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन और लैंड कंसोलिडेशन सिस्टम, बिकॉज वो कभी बनी नहीं पाया बिकॉज ऑफ लोकल कल्चरल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स. अगर वो करने लगते तो कोई केस कर देता कोई, अगर क्योंकि ऐसा कोई एग्रीकल्चरल फ्रेंडली मेजर इस तरह से बन नहीं पाया वो. ठीक है, अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो आप बताओगे यहाँ पर कि लीगल हर्डल्स, लीगल इंटरप्रिटेशन, पॉवर्टी, इग्नोरेंस, बेसिकली इन्होंने डिफिकल्टी पोज करी इन डेवलपिंग एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म्स. आपको बेसिकली जब डिफिकल्टी की बात आ रही है, यहां फैक्टर्स बताने हैं कि किन फैक्टर्स ने लैंड रिफॉर्म्स को एग्रीकल्चर फ्रेंडली बनने में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करी. ठीक है, ये आ गया सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का. ये रिलेशनशिप मैं आपको पहले लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं, लास्ट क्वेश्चन में, और ये इसके जोड़ के, और फाइनली आपको लिखना है थर्ड पार्ट, क्या कंक्लूजन. देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल वेग है ये, कुछ नहीं होता, बस एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने सारे चीजों को एड्रेस किया है. अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, डिस्कस दी डिफिकल्टी इन दी डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, कुछ साइंस बनती बात की. ये जस्ट एक बनाते हैं जस्ट चेक द इंटेलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट कि हाँ वो कितना अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकता है, वो समझ सकता है कि हाँ क्या पूछा जा रहा है. डिस्कस दी डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये फैक्टर्स हैं जिन्होंने डिजाइनिंग में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करी, ये फैक्टर्स हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में प्रोड्यूस करी. और मैक्सिमम एस्पेक्ट्स लिखने हैं, थोड़ा सा आप ये लिख दो कि अगर कोई और अच्छा करना चाहता है तो आप ये लिख सकते हो कि हाँ ये करना चाहिए जिससे ये डिफिकल्टी दूर हो जाएगी. How this difficulty can be removed? End में आप ये लिख सकते हो. इसको conclusion भी बना सकते हैं. How to improve the effectiveness of land reforms? Improve the effectiveness of land reforms in terms of agriculture friendliness. थोड़ा सा example दे दो. जैसे अगर मैं कहूँ कि भी land reform अगर center से बैठे होता तो बहुत फर्क होता. लैंड अगर सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, जो होना मुश्किल था डेफिनेटली, लेकिन ये समझ लो कि अगर लैंड रिफॉर्म्स किसी भी वर्ल्ड के, जापान में हुआ, चाइना में हुआ, रशिया में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, कहीं पे भी हुआ, तो लैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर. हमारे यहाँ लैंड वाज कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट्स, जिसे हर स्टेट ने अपना अपना एक्ट बनाया और उसमें खामियाँ होती चली गई. लोकल हाई कोर्ट्स में केसेस, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, मतलब हजारों लाखों की संख्या में केसेस आते गए. बट प्रैक्टिकली कंपल्शंस थी कि लैंड को आप सेंटर सब्जेक्ट में नहीं रख सकते थे, बिकॉज इंडिया वॉज फ्रेगमेंटेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड. अगर लैंड सेंटर अपने पास रखता तो स्टेट्स में शक आ जाता कि ये हमारे को कब्जा करना चाहते हैं.
कर तो लिया ही वैसे, लेकिन बट वो तो लैंड एक और एग्रीकल्चर स्टेट से बैठ होने की वजह से, और हुआ इसलिए कि लोकल कंपल्शंस अलग थी, लैंग्वेज, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, उनको लगा कि अगर लोकली हम वेरिएंट रखेंगे लैंड रिफॉर्म को, फ्लेक्सिबल रखेंगे तो बेटर इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन हुआ उल्टा. नंबर ऑफ स्टेट्स वर नॉट एट ऑल सीरियस इन इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म, पोलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सेसिस बन गए, पोलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो गई जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया लैंड रिफॉर्म को, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली बेनिफिशरी वॉज दी लैंडलेस, एंड लैंडलेस वॉज लोअर कास्ट पर्सन जिसकी से नहीं थी इनिशियली, और सारा बेनिफिट उसी को जाना था. लोअर कास्ट लोगों को सारा बेनिफिट जाना था, तो डेफिनेटली एक हिंड्रेंस स्ट्रक्चर बन गया, और इसी ने डिफिकल्टी प्रमोट करी जिसको कल्चरल फैक्टर्स हम बोलते हैं. ठीक है जी, सो ये दो क्वेश्चन हो गए लैंड रिफॉर्म्स के आपके, जो आपने हमने कर लिए. दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और टॉपिक पढ़ूंगा, उसके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो हम करेंगे. कोशिश करूंगा मैं प्रिलिम के क्वेश्चन भी साथ में उठा लूंगा, जैसे लैंड रिफॉर्म पे दो क्वेश्चन, दो बार क्वेश्चन प्रिलिम पे भी आया हुआ, दो क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं थे वो तो, लेकिन मैं अभी मेरे दिमाग में आया करते हुए साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि प्रिलिम के क्वेश्चन भी साथ में टॉपिक में ऐड करूंगा. ठीक है, तो हम टॉपिक स्पेसिफिक अब लेके चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. तो लैंड रिफॉर्म पे दो क्वेश्चन आए हैं, आपने कर लिए. अब आप ऐसा नहीं हो सकता आई थिंक अब कि लैंड रिफॉर्म पे जैसा मर्जी क्वेश्चन आए पेपर में, आप कुछ ना कुछ तो हाथ पैर अच्छा सा मार लोगे आप. ठीक है जी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल टाइट चल रहा है, तो आपके पास वो मैं ऑनलाइन ही अपलोड करूंगा कि कब नेक्स्ट क्लास है. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को लूंगा, लेकिन होस्टा मंडे को मुझे बाहर जाना पड़े तो मैं वेंसडे को लूंगा. फिर आपके पास 3-4 दिन होंगे, आज मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक के, और हम वो फिर टॉपिक पकड़ेंगे. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, होप समझ आ गया सबको ये. ओके, चलो जी, सी यू अगेन. बट लिखना जरूर है आंसर, जैसे मैं अगर आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, तीन क्वेश्चन देता हूँ, जो भी पेपर में आए हुए हैं, आप चाहे एक लिखो लेकिन लिखना जरूर है. जरूरी नहीं है कि तीनों ही लिख के भेजने, आपने सिर्फ एक लिखो चाहे, और मैं डिस्कस करूंगा सारे ऐसे ही जैसे मैंने आज किए हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा. ठीक है ना, आप मुझे चाहे आंसर चेक करने के लिए भेजो चाहे ना भेजो, डजेंट मैटर, क्योंकि अब आप जैसे मैंने इतना करा दिया आपको, आप अपना आंसर सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हो, है ना, आप अपना आंसर सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हो इजिली, तो इसलिए इसको इसी तरह से करना है. थैंक यू.